उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं आजमगढ़ और रामपुर। दरअसल हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और आजम खान दोनों विधायक बने। इसके बाद से उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ और रामपुर की सीट खाली हो गई। इन दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं। साथ ही सीटों पर उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। इसके लिए राज्य के मंत्रियों को कई बड़े टास्क सौंपे गए हैं। इन दोनों ही उपचुनाव को बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि आला कमान फिलहाल स्थिति की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दोनों ही सीटों पर MY समीकरण पूरी तरह से मजबूत है, जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। MY समीकरण का मतलब मुस्लिम और यादव वोट बैंक से है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हुई। ऐसे में बीजेपी दोनों ही सीटों पर खुद को मजबूती के साथ उतारने की तैयारी में जुट चुकी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को किस तरीके से घेरा जाए, इसके लिए भी बीजेपी प्लान तैयार कर रही है। भाजपा के पास दोनों ही सीटों पर खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक सीट पर भगवा पार्टी जीतती है तो उसके लिए ये बड़ी बात होगी। साथ ही बीजेपी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की शुरुआत भी कर देगी। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी 2014 और 19 में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर बीजेपी ने चुनाव नहीं जीता। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीते, जबकि 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीतने में कामयाब रहे। अब सवाल यह है कि क्या आजमगढ़ से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारेंगे या किसी अन्य को। बीजेपी फिलहाल अखिलेश यादव की रणनीति का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आजम खान के ही किसी करीबी को रामपुर से टिकट दे सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव फिलहाल आजम खान से रिश्तों को सामान्य करने में जुटे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया, और अगर आजमगढ़ सीट से बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं उसे एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस टूटेगा, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी के साथ हुआ। बात मायावती की भी कर लेते हैं। मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो रामपुर से BSP का कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगी। जाहिर सी बात है, रामपुर की सीट पर आजम खान का बड़ा असर है। आजम खान के परिवार को वहां हर कोई जानता और मानता दोनों है। माना जा रहा है कि आजम खान के किसी करीबी या फिर आजम खान के ही परिवार के किसी सदस्य को सपा यहां से टिकट दे सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी आजम खान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन मायावती भी आजम खान को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, लेकिन आजम खान के लिए बसपा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, ये दिखाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ से BSP ने साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, जबकि ये सुगबुगाहट तेज है कि आजमगढ़ से डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।